दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल पर ये जो फॉन्ट का पूरा बॉक्स होता है तो इनमें से सभी ऑप्शन का यूज़ कैसे करें और इन सबकी एक से ज़्यादा शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो से आप बेसिक एक्सेल सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट, आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो बिना वेट किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एमएस एक्सेल ओपन करके रखा है। तो देखिए, आज हमारा पहला ऑप्शन है फॉन्ट का। तो दोस्तों, एक्सेल पर जब आपको कोई डेटा टाइप करना हो तो मान लीजिए जैसे आपका डेटा लगभग 10 पेजेस का है, तो पहले आपको एक्सेल पर अपने 10-12 पेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने फॉन्ट को लगाना है। अगर आप पहले पेजेस को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको सभी सेल्स में बार बार फॉन्ट लगाना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हम Ctrl+A को प्रेस करते हैं, अब ये पूरी फाइल सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद अब हम यहाँ से फॉन्ट लगा सकते हैं और इसके साइड में ये जो साइज़ का ऑप्शन है तो इससे आप फॉन्ट का साइज़ दे सकते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए तीन शॉर्टकट हैं। पहला शॉर्टकट ये है कि Alt+H+FF, यानी कि Alt को दबा के छोड़ देना है और जस्ट दो बार F को प्रेस कर देना है। Alt+H+FF को जैसे ही प्रेस करेंगे तो इधर देखिए, आपका कर्सर इस पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। अब यहां से चाहे तो आप डाउन एरो का यूज़ करके अपने फॉन्ट को चॉइस करें, या फिर अगर आपको फॉन्ट का नेम मालूम है तो यहां पर डायरेक्ट टाइप करके एंटर को प्रेस कर दें, बस आपका फॉन्ट लग जाएगा। इसके बाद अगर आपको अपने फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना है तो ऊपर यहाँ से आप माउस से तो कर ही सकते हैं। इस पर पहुँचने के लिए शॉर्टकट की होती है Alt+H+FS, यानी कि Alt+H+FS को प्रेस करना है तो आपका कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ साइज पर आ जाएगा। अब एरो का यूज़ करते हुए आप इसमें से किसी भी साइज़ को चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली इंटर को प्रेस कर दें, बस आपका साइज़ लग जाएगा। ओके, इसके बाद चलिए अगला शॉर्टकट देख लेते हैं। तो अगर आप इन सभी ऑप्शन का यूज़ एक साथ में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप Ctrl+Shift+F, यानी कि कंट्रोल और शिफ्ट के साथ F को प्रेस करना है। Ctrl+Shift+F को जब प्रेस करेंगे तो एक्सेल पर फॉर्मेट सेल ओपन होगा। अब यहाँ पर आप टैब और एरो का यूज़ करते हुए अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट, इसके बाद फॉन्ट स्टाइल और साइज़, इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चलिए इसको ओपन करने की तीसरी शॉर्टकट की सीख लेते हैं। तो पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों, तीसरी हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+1, यानी कि कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस करना है। Ctrl+1 प्रेस करने पर आप देखेंगे कि ये फॉर्मेट सेल ओपन हो चुका है। अब यहाँ से वही प्रोसेस है जो अभी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, अब हम इस बॉक्स को क्लोज करते हैं। इसके बाद ऊपर होम मेन्यू बार में चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड का। तो देखिए, फॉर एग्जांपल हम अपनी इस फाइल पर स्किल नॉलेज टाइप कर लेते हैं। इसके बाद हम इस पर अपने कर्सर को रखते हैं। अब इसको बोल्ड करने के लिए Ctrl+B, यानी कि Ctrl+B को प्रेस करना है, और इटैलिक करने के लिए Ctrl+I, यानी कि Ctrl+I को प्रेस करके सिलेक्ट मैटर को इटैलिक कर सकते हैं। इसके बाद Ctrl+U, यानी कि Ctrl+U को प्रेस करके आप सिलेक्ट मैटर को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है बॉर्डर के लिए। तो भैया, आपको जितना मैटर टाइप करना है तो पहले उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद माउस से इस बॉर्डर पर क्लिक करके आप टेबल बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर माउस से नहीं लगाना है तो Alt+H+B, यानी कि Alt को दबा के छोड़ दो और जस्ट H+B को प्रेस कर देना है। इसके बाद यहां से आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे अभी हम आल पर आ जाते हैं, इसके बाद इंटर को प्रेस कर देते हैं तो ये बॉर्डर लग चुका है। इसके बाद दोस्तों, हम अपनी इस टेबल में अपना नाम गुफरान टाइपिस्ट लिख देते हैं। इसके बाद इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब अगला जो ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड कलर का। तो देखिए अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट कलर का। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने फॉन्ट का कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और टिप्स जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।